फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में, मैं हूं रहमान। नागरिक हमेशा मानव समाचार के साथ देखने वालों का ताउन हासिल रहा है। हमेशा हमें देखने वाले, पसंद करने वालों की उम्मीद भरी नजरें मानव समाचार पर टिकी होती है कि हम उनके मसलों को, उनके मसाइल को, उनकी बातों को आप तक पहुंचे। बाद औकात जो है वो मसले मसाइल इनडायरेक्टली उनकी जिंदगी से जुड़ी होती है, और बाद मसले मसाइल या बाद बातें बराह रास्त उनकी जिंदगियों से जुड़ी होती है। ऐसे कुछ मामला मानव समाचार के है, खासतौर से बच्चों के गुम होने की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताते हुए आपको बड़ी खुशी होगी कि जब तक आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी होगी कि जब जब भी मानव समाचार ने किसी बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है, तब तक आप लोगों ने उन बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचाने में, उनके माँ बाप से मिलाने में हमेशा नुमाया रोल अदा किया है, हमेशा मजबूत रोल अदा किया है। यही वजह है कि दो बार से ऐसा हुआ कि बाहर वो बच्चे को मालेगांव शहर से गुम हुए, बाहर से कॉल आए, आप जैसे देखने वालों के कॉल आए, और आप लोगों ने आगे बढ़कर आगे आकर मदद की और उन बच्चों के ताल्लुक से हमें रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट को जब हमने उनके माँ बाप को बताया तो इसके बाद से वही बच्चे निकले जो गुम हुए थे। तो कहीं ना कहीं से हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं से आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर इंसानियत का हक अदा कर रहे हैं। एक ऐसा ही एक मामला अब फिर आन पड़ा है, एक बार फिर से आप लोगों की जरूरत आन पड़ी है, एक बार फिर से हमें आप लोगों का सहारा चाहिए। एक बच्चा है जिसका नाम है परदीन शेख जहीरुद्दीन, जो कि शिरपुर का रहने वाला है। ये बच्चा पिछले 6 अगस्त से, आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये बच्चा पिछले 6 अगस्त से शिरपुर से लापता हो चुका है। इतने दिनों में बच्चे का कोई सुराग नहीं है। माँ बाप ने हर वो मुमकिन जगह तलाश करने की कोशिश की, माँ बाप ने हर मुमकिन जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उस बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जा चुकी है। मालेगांव शहर में उन्होंने कांटेक्ट किया, अलग अलग शहरों में उन्होंने कांटेक्ट किया, और मालेगांव के कई ऐसे ग्रुप जो बच्चों को ढूंढने में मदद करते हैं उन बच्चों तक भी तफसील उन्होंने पहुंचाई, मगर बच्चे का अब तक सुराग नहीं मिला है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग हमारी पूरी सहायता करेंगे, पूरी मदद करेंगे उस बच्चे को ढूंढने के लिए। उस बच्चे का फोटो हमारी टीवी स्क्रीन पर हम आपको शेयर कर रहे हैं। उस बच्चे के रिश्तेदार, उनके वालिद साहब का और दीगर रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर ये बच्चा आपको कहीं आसपास भटकता नजर आता है तो उस बच्चे को मिलाने के लिए, उसके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए आपको एक नुमाया रोल अदा करना है। आपको बता दें कि घर वालों की किसी मामूली सी बात पर वो बच्चा नाराज हो गया था। जाहिर सी बात है, माँ बाप कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। बाप की या माँ की डांट हमेशा बच्चों के हक में होती है, जिंदगी के बेहतरी के लिए होती है, उनकी अपनी बेहतरी के लिए होती है, मगर आज की जो नौजवान नस्ल है शायद इन बातों को समझ नहीं पाती, और फिर वो इस तरह के कुछ जज्बाती कदम उठा लेती है जिसकी वजह से खुद वो भी परेशानी का शिकार होते हैं, उनके माँ बाप भी जहनी तौर पर परेशान होते हैं। तो बड़ा मेहरबानी मानव समाचार की आपसे अपील है कि उस बच्चे को मिलाने में आप मदद करें। कहीं ना कहीं अल्लाह पाक के खजाने में आपके लिए नेकियां भी लिखी जाएगी। ये एक नेक अमल है किसी बिछड़े हुए को उनके अपनों से मिलाने का। इस वक्त मेरे साथ उनके बड़े अब्बा बैठे हुए हैं शिरपुर से, तशरीफ लाए स्पेशल मानव समाचार को। उन्होंने रिक्वेस्ट की के उनके जो बच्चा है, उनका जो भतीजा है, उसकी रिपोर्ट हम जो है आपको बताएं। तो शिरपुर से आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं मोबिनुद्दीन, यहाँ इस वक्त मानव समाचार में बैठे हैं।
मुकदीन साहब, जाहिर सी बात है कि बच्चा पिछले कई दिनों से घर से दूर है, आप लोगों का हाल क्या है, खासतौर से माँ का क्या हाल है और बाप का क्या हाल है, और आपके जहनी जज्बात हम समझते हैं, और जिस उम्मीद से आप हमारे पास आए इतनी दूर चल कर, अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से इस बार भी मानव समाचार जरिया बनेगा आपके अपने बच्चे से मिलवाने के लिए, क्योंकि जो हमारे नाजिन है हमेशा उन्होंने इस तरह के मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारी मदद की, इस बार भी उनसे जो है हमको उम्मीद है कि जरूर जो है आपने जो उम्मीद लगा कर रखी है अल्लाह ने चाहा तो उस उम्मीद पर मानव समाचार और हमारे देखने वाले जरूर उतरेंगे। आप खुद भी उनसे एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी गुजारिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मेरा सलाम, शिरपुर से आया हूँ मैं। मेरे भतीजे 21 रोज से लापता हुए है, इसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए मैं मानव समाचार में बैठा हूँ। मेहरबानी होंगी आपकी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी मदद की। मोबीलुद्दीन साहब का कहना ये है कि अगर ये खबर आप तक पहुंचती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाए, जरिया बने उस बच्चे को उनके माँ बाप से मिलाने का। हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमारी मदद करेंगे। इनके नंबर जो है मानव समाचार अपने टीवी स्क्रीन पर दे रहा है, इस बच्चे का फोटो मानव समाचार आपको बता रहे हैं, और आप बराह रास्त भी अगर आपको बच्चा कहीं नजर आता है तो आप बराह रास्त मानव समाचार के हमारे जो डायरेक्टर हैं अनवर खान साहब, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो बराह मेहरबानी आप इस नेक काम में मानव समाचार का साथ दें, यही आपकी गुजारिश है।